गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये दो वाक्य मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुआ है? दरवाज़ा बंद कर दो और दरवाजे बंद कर दो। ये दो वाक्य यहाँ पे लिखे, इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या अंतर है? तो देखो, यहाँ पे दरवाजा ऐसा कहा है, मतलब एक दरवाजे की बात हुई है, और यहाँ पे लिखा है दरवाजे, तो यहाँ पे कई सारे दरवाजे की बात हुई है। तो आज हम एक और कई सारे, एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे। तो उसे क्या कहेंगे हम हिंदी में? वचन, एक वचन या बहुवचन, जो आप इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वचन। सामान्य तौर पर हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किसी एक वस्तु को एक वचन कहते हैं, और एक से ज़्यादा हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वचन की डेफिनेशन। तो वचन किसे कहेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द जिस संज्ञा या शब्द से किसी से किसी वस्तु या पदार्थ एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक वचन है और यहाँ पे बहुवचन। तो जिस संज्ञा या शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ एक या अनेक होने का बोध होता है, तो यहाँ पे लड़के के बारे में बात की है। तो पहला वाक्य है उसमें कहा है एक लड़का पढ़ रहा है, दूसरा वाक्य जो है उसमें यह कहा है कि लड़के पढ़ रहे हैं, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो यहाँ पे संज्ञा है, तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? जिस किसी वस्तु व्यक्ति
या भाव के नाम को के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहां पे आ गया किसी व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा या शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, तो संज्ञा किसे कहते हैं? उसकी डेफिनेशन ये है। लिख लिया? आप साथ में लिखते ही जाना। वचन के प्रकार या वचन की भेद कितने होते हैं? दो। कौन कौन से वचन के भेद दो होते हैं? पहला है एकवचन, दूसरा है बहुवचन। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो एक वचन किसे कहेंगे और बहुवचन किसे कहेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एक वचन। तो एक वचन किसे कहेंगे? किसी एक पर्टिकुलर वस्तु का निर्देश किया हो उसे हम एक वचन कहेंगे। डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते है।
दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। शब्द की जिस रूप से केवल शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति वस्तु या स्थान शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो, स्थान का बोध हो, उसे एकवचन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पतंग उड़ रही है, मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहां पे देखो पतंग, पतंगे नहीं कहा है, पतंग, मेजे नहीं कही है, मेज कही है, पुस्तके नहीं कहा है, पुस्तक कहा है, तो यहां पे सिर्फ एक ही के बारे में बात की है, इसीलिए इसको एकवचन कहा जाता है। किसी एक पर्टिकुलर एक वस्तु के बारे में, वस्तु व्यक्ति या पदार्थ के बारे में बात हो तो उसे हम एकवचन कहते हैं। लिख लो, आगे बढ़ते। अब क्या आएगा? बहुवचन। तो एक वचन में क्या था कि एक का ही बोध हो, और बहुवचन में क्या आता है कि एक से ज्यादा के बारे में बात हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। दूसरा बहुवचन।
तो डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। बहुवचन के नाम से जाना जाता है। बहुवचन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं। तितलियां उड़ रही है। तो यहां पे क्या है कि घोड़ा नहीं कहा है,
घोड़े कहे, तो घोड़े कहा गया है, तो यहाँ पे एक घोड़े की बात नहीं हुई है, एक से ज्यादा ज्यादा के बारे में बात हुई है। यहाँ पे एक तितली की बात नहीं हो रही है, तितलियाँ, एक से ज्यादा तितली के बारे में बात की है, इसलिए यहाँ पे इसको बहुवचन कहा जाता है। इसमें आपके मटेरियल से अलग है तो आपको साथ में लिखते जाना है, ठीक है? लिख लो। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक वचन से बहुवचन में कौन से एक वचन है, कौन से बहुवचन है, उसमें भी नियम आते हैं कि एक वचन से बहुवचन में किस प्रकार किया जाता है, उसके भी नियम आते हैं, तो वो नियम हम देखते हैं। वचन परिवर्तन के नियम, तो इसमें 12 नियम होते हैं कि किस प्रकार एक वचन में से बहुवचन बनाया जाता है, उसके टोटल 12 नियम हैं, वो 12 नियम हमको पढ़ने हैं, साथ ही आपको लिखते ही जाना है, ठीक है? तो सबसे पहला नियम है अकारांत। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए बनाने के लिए शब्दों के अंत में आ का ए
आ का ए कर दिया जाता है। शॉर्ट में लिखे तो आ का ए। एग्जाम्पल देखते हैं तो ताला ताले डिब्बा डिब्बे बेटा बेटे मेला मेले तोता तोते लोटा लोटे कछुआ क्या आएगा कछुए। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा कि इस प्रकार से कौन सा सही है। कछुआ कछुए और कछुए कौन सा सही है। तो ये सही है ये गलत है। तो यहाँ पे पहले ही बोला गया था कि आ का ए हो जाएगा, तो यहाँ पे आ है तो इसका क्या हो जाएगा ए। तो सभी देखो ये सब शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो अंत में आ आया है। ताला अंत में आया तो उसका ए में परिवर्तन हो जाएगा। ताला ताले बेटा बेटे प्रोनाउंस करो तो ए का हो जाएगा। तोता तोते तो कछुआ तो यहाँ पे ये कछुआ नहीं आएगा। कछुआ कछुए डिब्बा डिब्बे माला माले लोटा लोटे। समझ में आया। अकारण पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में आ का ए कर दिया जाता है। आ का ए आ का ए लिख लो।
दूसरा नियम, अब आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे दूसरा नियम, अ का ए वो पुल्लिंग, अ का ए तो स्त्रीलिंग। जिस प्रकार से पुल्लिंग शब्द में आके आको ए में बदल दिया जाता था, उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द में भी आको ए में बदल दिया जाता है। जैसे कि लता लताएं, कविता कविताएं, चिंता चिंताएं, माला मालाएं, सेना सेनाएं, बाला बालाएं, तो देखो यहां पे भी आ है तो उसका क्या कर दिया जाएगा, ए। ये सारे शब्द जो हैं वो
स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए आ का ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग में चंद्रबिंदी आएगी, पुल्लिंग में चंद्रबिंदी नहीं आएगी, इतना ही दोनों में भेद है। लिख लो, तो आज हमने क्या पढ़ा, वचन किसे कहते हैं, वचन के भेद और वचन परिवर्तन के दो नियम। तो वचन किसे कहेंगे, जिस संज्ञा शब्द के किसी वस्तु या पदार्थ एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किसे कहेंगे, शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति वस्तु या पदार्थ होने का बोध होता है उसे एक वचन कहा जाता है। उसी तरह किसी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं या पदार्थों स्थानों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। फिर वचन के कितने, वचन परिवर्तन के कितने भेद हैं, 12, उसमें से हमने दो देखे। अकारण पुल्लिंग शब्द, अकारण पुल्लिंग शब्द के अंत में ए आ जाएगा और अकारण स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ का ए हो जाएगा। ये दो हमने नियम आज सीखे हैं। इसके जो एग्जाम्पल दिए हैं वो आपकी जो मैंने मटेरियल दिया है उसमें नहीं है, तो आपको कंपलसरी ये लिखना ही है, मैंने जो बोर्ड पर लिखवाया है। डेफिनेशन भी दो दो दी है, जो आपके मटेरियल में एक ही दी है, मैंने आपको दो लिखवाई हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें आपकी फेयर बुक में। अभी भी मुझे कई सारे बच्चों का फ़ोन आता है कि फेयर बुक कैसे करनी है, कैसे करनी है, इतनी बार समझाया, फिर भी एक बार बोल देती हूँ कि 200 पेज की एक बुक लेनी है। सबसे पहले पेज पर आपका नाम लिखना है, क्लास लिखना है, कक्षा लिखनी है, दूसरे पेज पर अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्स करनी है, फिर पिन पेज आए उसके बाद में चैप्टर स्टार्ट करना है, पिन पेज आए उसके बाद आपको आपका ग्रामर स्टार्ट करना है, ग्रामर में भी इंडेक्स करनी है। आप बोलोगे कि हमारे तो पहले लेक्चर में हमने बनाई नहीं है, ठीक है ना, सच है ना, तो कोई बात नहीं, आगे का एक पेज और ले लो, इसमें क्या दिक्कत है, आगे के पेज में इंडेक्स बना लो, उसमें भी लिखो आपने कौन कौन से चैप्टर किए, मुहावरा कहवते ये हम सब ने पढ़ लिए। तो ये तीसरा टॉपिक है वचन, तो आप उसमें भी लिखो वचन, तो ठीक है। और आज के होमवर्क में आपको आपके मटेरियल में स्वाध्याय दिया है, देखो एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए है, उसके बाजू में स्वाध्याय दिए, स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय, आपको खुद को पढ़ना है, आपको खुद को सॉल्व करना है। तो आपके सामने उदाहरण रखे ही है, उस प्रकार से आपको उसके आंसर लिखने हैं। स्वाध्याय में हमने दो जो नियम किए हैं, एक और दो,
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में, उसके ही स्वाध्याय आपको लिखने हैं, ठीक है। तो स्वाध्याय जूता, पंखा, चश्मा, दरवाजा, चूहा, कीड़ा, गमला, गधा, छाला। दूसरा स्वाध्याय है आत्मा, आचार्य, कला, शाखा, छात्रा, कविता, शीला। तो ये सारे आपको होमवर्क में करने हैं। तो आज का होमवर्क हम देखते हैं। स्वाध्याय के शब्दों का वचन परिवर्तन, स्वाध्याय के शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। ठीक है, मैंने बोले कौन कौन से आपको लिखने हैं। आगे के और 10 नियम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।